गुड इवनिंग दोस्तों। तो इसको मैं रिकॉर्ड करके ही शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, थोड़ा समझ में आए कि अभी हमको क्या करना चाहिए जो अभी का सिचुएशन चल रहा है। निफ्टी का अच्छा खासा डिप लगा है इधर, ठीक है। तो निफ्टी का अभी जो करेंट सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 17,280 का, 17,280। तो यहाँ पर इसको हमको वॉच करना रहेगा। फिलहाल मार्केट तो जो है बुल्स के ग्रिप में ही है। जब तक ये लेवल करता नहीं है, 17,200 का लेवल जब तक करता नहीं है तब तक मार्केट बुल्स के ग्रिप्स में है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जो अपना प्रीवियस मल्टीबैगर से। प्रीवियस मल्टीबैगर की हम लोग बात करेंगे तो उसमें एक था अपना जुबिलेंट इनरेबिया। जुबिलेंट इनरेबिया अगर डिप लगाता है तो वहां पर आपको एक अच्छा खासा जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी तक क्या था, अभी तक दो सिचुएशन है कि यहाँ पर हम लोग का पोजीशन ऑलमोस्ट 480 के नीचे से ही हम लोग इसको पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है। तो अगर आपको कभी भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इनिशिएट न्यू पोजीशन इन दिस मल्टीबैगर स्टॉक, अगर ये 700 पे भी एक बार आता है तो यहाँ पर आप अपना नया पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। और एक है विप्रो, जो भी जो कि अपना ऑब्वियसली एक मल्टीबैगर स्टॉक था। तो विप्रो अभी यहाँ पे आई थिंक कि यहाँ से ये थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। तो अगर यहाँ से भी आपको एक मौका मिले और अगर आपने एक पोजीशन नहीं बनाया हुआ है तो आप इसको 640 पे अगर आपको मिले, 640 से लेके 620 के पास, तो यहाँ पर आप अपना नया पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया विप्रो के बाद। अब बात करते हैं क्योंकि अब मेटा सेक्टर में काफ़ी गिरावट हो रही है तो मेटा सेक्टर को भी हम लोग पकड़ते हैं। टिन प्लेट पे अच्छा खासा हम लोग का पोजीशन है, मेरे को पता है अच्छा खासा पोजीशन है, सब लोगों का पोजीशन है। मतलब मोस्टली जो मेरे से जुड़े हुए हैं तो टिन प्लेट पे हम लोग का जो है अगर आपको एक मौका मिले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो 50% लेवल आ रहा है 260 250, इसके पास अगर आप यहाँ से, मैं आपको बोलूँगा जब कोई प्राइस एक्शन क्रिएट होगा तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी बाइंग पोजीशन, मैं बोल रहा हूँ न्यू पोजीशन इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आज सबसे अच्छा खासा गिरा है, टाटा स्टील। देखिए एज ए इन्वेस्टर मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर तो क्लियर हेड एंड शोल्डर था, नीचे आया। टाटा स्टील में हम लोगों का कोई भी प्रीमियम पोजीशन नहीं है, राइट। और लेकिन टाटा स्टील मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, ये मेरे फेवरेट स्टॉक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि यहाँ पर हम लोगों का कोई भी पोजीशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इतना ऊपर था कि इसको यहाँ से बाइंग करने का थोड़ा सा मेरा मन नहीं था। तो अब जब बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट का आइडिया क्या होता है कि जब सब सेल कर रहे हो, जब पूरा पैनिक मार्केट हो, तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी का भी टाटा स्टील पे पहले से पोजीशन है 900 से 1,000 के बाइंग लेवल पे, तो इसको सेल मत कीजिए। कोई बच्चा ही बोल देगा कि अगर इस टाइप का स्टॉक्स जो है ना टाटा स्टील, अगर आपको किसी भी न्यूज के कारण हो, किसी की इवेंट के कारण हो, अगर आपको ये नीचे मिलता है तो इस पे आपका पोजीशन बनना चाहिए। टाटा स्टील पे अपना पोजीशन है तो नहीं, लेकिन ये मेरे वॉच लिस्ट पे आ चुका है। द रीजन इज सिंपल थिंग, अच्छा स्टॉक गिर रहा है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल कोशिश करूंगा 1100 से 1200 के पास। यहाँ पर ये क्या अपना बना रहा है, यहाँ इस वाले लेवल पे ये अगर कोई प्राइस सेक्शन बनाता है टेक्निकल वाइज और डाटा वाइज, तो यहां पर मैं बिल्कुल अपना पोजीशन इनिशिएट करना चाहूंगा। अब बात करते हैं सारे जो अपने ट्रेड्स हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव सबके ऊपर बात करते हैं। जी मतलब जिसका जिधर भी पोजीशन है, ठीक है। डायनामेटिक से स्टार्ट करते हैं। डायनामेटिक मस्त जा रहा है। डायनामेटिक में अगर किसी का पोजीशन है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहे हो तो डायनामेटिक में होल्ड कीजिए इसको ना। 4,000 के पास ही हम लोग कुछ प्लानिंग व्लानिंग करेंगे, प्रॉफिट चल रहा है चलने दीजिए, यहाँ से प्रॉफिट बुक मत कीजिए, ठीक
ठीक है। श्री पुष्कर ये प्रीमियम ग्रुप में दिया गया था, बिल्कुल ये बहुत ही जबरदस्त एक ये है, और ये नीचे आ रहा है तो अगेन इट्स क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर जो आपका एक सपोर्ट लेवल काफी अच्छा खासा सपोर्ट लेवल आ रहा है तो चांस मिलता है, तो यहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट होल्ड फॉर नाउ, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। किर्लोस इंडिया इंजीनियरिंग कंपनी है, तो किर्लोस इंडिया पे जो अपना पोजीशन है यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए बुलिश है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, यहाँ पर अपना पोजीशन को बिल्कुल आप इसमें होल्ड कीजिए, ठीक है। लक्ष्मी केमिकल काफी प्रॉफिट दे चुका है, और मेरे को आई एम नॉट श्योर कि लक्ष्मी केमिकल इज ए मल्टीबैगर और नॉट, मैं उतना इसको अभी तक उतना ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमने लक्ष्मी केमिकल का ट्रेड दिया था उसको हमने एक शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के बेसिस पे दिया था, इसको मैंने कभी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे एनालिसिस किया नहीं है, राइट। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट का यह मानना है कि लक्ष्मी केमिकल 1000 हिट करेगा, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 को ये हिट करने वाला है ऑन एन मिड टर्म। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म पे प्ले करते हो तो प्रॉफिट को बुक कर लीजिए यार, 150% का प्रॉफिट दे चुका है ना। और अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो आपको अगर मौका मिलता है तो 480 400 ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके 800 से 1000 के पास अपना प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं लक्ष्मी केमिकल पे लॉन्ग टर्म का एनालिसिस किया नहीं हूँ तो मेरे को उतना आइडिया है नहीं। मेटल गिर रहा है तो श्याम मेटालिक गिर रहा है, यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, यहाँ पर इसने डबल टप बना सॉरी डबल बटन बनाया हुआ था श्याम मेटालिक। यहाँ पर डबल टप सॉरी डबल बटन बनाया हुआ था, तो यहाँ पर अगर आपको एक यहाँ पर एक बाउंस मिलता है तो यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट करके अपना टारगेट जो है आप यहाँ पर एटलीस्ट 450 के टारगेट के लिए इसको आप होल्ड करो। जोसिल और नाम इंडिया, जोसिल और नाम इंडिया जो है इस पे आप अपना पोजीशन बना के रखिए, ठीक है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि पैनिक में मार्केट गिरता है तो इस टाइप के स्टॉक्स अच्छे खासे बाउंस बैक करते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी अच्छा ही स्टॉक है जोसिल, तो इसमें सो जीएमडीयू काफी पुराना ट्रेड है अपना, इसे दी इसने तो अपना क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड टारगेट भी दी दे ही चुका था, तो ये मेरे वॉचलिस्ट पे है, लेकिन इसमें आई डोंट बिलीव कि इसमें शायद सबने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। जीएमडीयू पे इस पे अपना जो अगर नेक्स्ट पोजिशन बनेगा तो ये बनेगा अपना एटलीस्ट वही 600 के ऊपर ही, फिर से हम लोग अपना नया पोजिशन बनाएंगे, अभी तो कुछ करना नहीं है। कैनामेट इस पे ध्यान रखिए, डारवास के ऊपर डारवास बना रहा है, मार्केट किधर भी जाए ये स्टॉक्स जो है डारवास के ऊपर डारवास बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मेरे को दिख रहा है, ठीक है। एक बार अगर ये 1500 के ऊपर आता है तो मैं जो मेरा व्यू है इसका डाटा काफी पॉजिटिव है, याद रखिए डाटा काफी मतलब पॉजिटिव है, टेक्निकली ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, मस्त वन साइड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक बार अगर ये 1500 के ऊपर आता है तो यहाँ पर मैं और थोड़ा सा बाय करना चाहूंगा। IFLW की बात करते हैं, IFLWM भी वन साइडेड ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये इसका जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पर आई बिलीव अब आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1470 के पास होना चाहिए, बट स्टिल मतलब इतना ये कुछ बुरा तो दिख नहीं रहा है, काफी अच्छी खासी एक इन्वर्स हेड शोल्डर टाइप का ये बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कीजिए, और यहाँ पे हमने भी होल्ड किया हुआ है, तो आई बिलीव कि इसको 2000 के पास ही कुछ प्लानिंग व्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अनमोल प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट के बाद ये फिर नीचे आ रहा है, ये एक अनमोल जो है ना, ये मैं थोड़ा सा जल्दी से जल्दी से कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बस एक गाइडेंस मिल जाए प्रॉपरली इमीडिएटली, ठीक है। अनमोल का सिचुएशन बहुत ही सिंपल है कि अनमोल जो है ना, इसको बहुत लोग मल्टीबैगर मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं कि हाँ ये एक मिड टर्म में भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन चलिए कोई कारणवश इसका हमको प्रॉफिट भी दिया, हम लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी कर लिया, लेकिन फिर से ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अनमोल इज नॉट दैट बैड, ठीक है, इसको होल्ड कर सकते हो। प्राइस छोटा सा है 170 180, मतलब छोटा सा प्राइस वाला है, इसको मेरे हिसाब से अभी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेना
गलत होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। अगर पोजीशन में हो तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो। मेट्रोपोलिस अच्छा भागा यार, मेट्रोपोलिस मस्त ट्रेड था अपना, बहुत अच्छा भागा है। तो यहाँ पर भी मेरी यही राय होगी कि ये अब जिस तरह से सपोर्ट बना रहा है, जिस तरह से सपोर्ट बना रहा है ना, अगर किसी का पोजीशन है तो इसको होल्ड कर सकते हो। अगर हम लोग फिबो में चेक करें तो फिबो में भी इसका जो 50% का लेवल है, ये भी यहीं पर कहीं पर आ रहा है, तो यहीं से कहीं से ये सपोर्ट लेके, यानी इस वाले लेवल से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। काबरा स्ट्रक्चर में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पर जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है अच्छी बात है। यहाँ पर नया पोजिशन अभी मत बनाइए, और नया पोजिशन फिर से जब हाई ब्रेक होगा तभी इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सेंटम, सेंटम जो है अपना एक रिग्रेशन चैनल में चल रहा है, ठीक है, ये एक रिग्रेशन चैनल में चल रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, बुलिश में ही चल रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई कुछ है नहीं देखने लायक फिलहाल के लिए, तो फिलहाल ये एक रिग्रेशन चैनल में अप डाउन चल के ये अपना ये इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर भी कोई एग्रेसिव डिसीशन लेने की जरूरत नहीं है। ईसाब इंडिया आई एम वेरी पॉजिटिव, ईसाब इंडिया भी आपका उसी टाइप का फ्लो कर रहा है जिससे मैंने आपको बताया ना, इसमें ये जो है केनामेट टाइप का ये फ्लो कर रहा है ईसाब इंडिया। डारभास अपसाइड पे बन रहा है, हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई चल रहा है, ये काफी पॉजिटिव दिख रहा है, फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रांग है इसको बना के। हाल को हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको पहले से ही शेयर किया हुआ है कि हाल को हम लोगों ने अपना मल्टी फिगर पे ऑलरेडी ऐड कर लिया है, ठीक है। हाल को हम लोगों ने अपना मल्टी फिगर पे ऐड कर लिया है, तो जो बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड में प्ले करते हैं, उनको मैंने बोला था कि प्रॉफिट को बुक कर लें, और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वाले जो हैं उनके लिए बस मेरी एक छोटी सी एडवाइस होगी कि आपका जो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है, यानी कि मान के चलिए ये है 1470 900, 400 पॉइंट का मान के चलिए, ठीक है, 400 पॉइंट का भी, यानी कि आपका एटलीस्ट जो है 1800 1800 का पहला टारगेट फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी कुछ अच्छा ही मेरे को दिख रहा है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए जो बार बार एक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए इसको ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पे अपना जो है 1800 से 2000, तो ये अपना मिड टर्म टारगेट है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट मैं आपको पहले से ही बोल चुका हूँ कि एटलीस्ट आपको इसमें जो है थोड़ा सा बड़ा टारगेट इसमें आपको देखने को मिल सकता है, तो एटलीस्ट 3,500 से 4,000 तक का टारगेट जो है इसमें, मतलब अराउंड मान के चलिए कि 100% टू 200% का टारगेट के लिए आपको वेट करना चाहिए। हाल पे मैं बिल्कुल फिर से बाय करूंगा, दरअसल हाल पे मैं अपना पोजीशन बढ़ाने वाला हूँ। एक बार अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और 1600 के ऊपर अगर एक बार आ जाए ना, तो यहाँ पर मैं फिर से बाइंग करने वाला हूँ, ठीक है। स्पेंसर से बात करते हैं, स्पेंसर पे काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, ये दरअसल टेक्निकली ऐसा कुछ खास है नहीं, जो ये डेड कैट बाउंस था इसका हम लोगों ने फायदा उठाया, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। तो अगर ये फिर से यहाँ 120 के ऊपर अगर एक बार फिर से जाता है, तो फिर से इसको हम लोग री इनिशिएट करेंगे। डोडला अच्छा खासा रिटेलर को धोखा दिया जिन्होंने अपना जो है पोजीशन को काट लिया, अब मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा जो है इसमें ये अपना एकुमुलेशन पॉइंट यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये ऊपर की तरफ ये जिस वॉल्यूम से गया है, और डोडला पे आप लोग एक चीज याद रखिए कि डोडला पे क्या है कि नया स्टॉक है, तो आप इसका फंडामेंटल इमीडिएटली उसको आप इवेलुएट नहीं कर सकते। लेकिन समझने वाली बात ये होती है क्या कि इतना बड़ा वॉल्यूम आना, इतना बड़ा प्राइस में हाइक आना, विदाउट एनी बल्क डील, विदाउट एनी ब्लॉक डील, बिना बल्क डील के, बिना ब्लॉक डील के अगर ये अच्छा खासा वॉल्यूम शो करता है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये कोई पंप एंड डंप नहीं है, दिस इज नॉट ए पंप एंड डंप, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इधर जो है मतलब ऑपरेटर ने अपने बुक वैल्यू के ऊपर इसको लाया, और वो चाहते थे कि रिटेलर के हाथ से ये बाहर आ जाए, और मैक्सिमम जो कंट्रोल है वो ऑपरेटर के हाथ में रहे, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। अपना पोजीशन यहाँ पे बरकरार है, इसको मैं फिर से एकुमुलेट करूंगा 720 के ऊपर, बिल्कुल 720 के ऊपर एक बार इसको मैं एकुमुलेट करूंगा अगर ये अपने फेवर में जाता है। हिरण बाग कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना हुआ, ये रिग्रेशन में चला गया फिर से, ये अपना फिर से रिग्रेशन पे गया, तो प्रॉफिट तो काफी लोगों ने बुक किया हुआ हिरण बाग में, अगर कोई पोजिशन पे है तो उसको होल्ड कर सकते हैं।
अच्छे स्टॉक्स हैं, स्टॉक अपना हम लोगों ने जो अपना पोजीशन को थोड़ा सा ये कर दिया है, क्या बोलते हैं, रिड्यूस कर दिया है। मैट्रिमोनी 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 भी कंसोलिडेशन पे चल रहा है, ठीक है। अब जो स्टॉक्स भाग रहे थे ना, वो भी कंसोलिडेशन पे चल रहे हैं। माजदा की बात करते हैं, माजदा पे अपना पोजिशन है, टू बी ऑनेस्ट माजदा पे अपना पोजिशन है। टेक्निकली इसने जो है डबल टॉप बनाया हुआ है, राइट, डबल टॉप बनाया हुआ है टेक्निकली देखा जाए तो, और नीचे आ रहा है। और ये सपोज से यहाँ पर आपको एक मास्टर रिजेक्शन क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। माजदा पे दरअसल हम लोगों ने अपना पोजीशन काटा नहीं है, यहाँ पर हम लोग का पोजीशन एज इट इज, एज इट इज, ना हमने रिड्यूस किया ना हमने उस पर कोई एवरेजिंग किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका माजदा। बात करते हैं कैसल, कैसल कैसल भी रुका हुआ है ऊपर। कैसल पे दरअसल अपना भी कोई पोजीशन है नहीं जितना मेरे को याद है, हम लोगों ने काफी पहले से इसका प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। तो लेकिन ये मेरे वॉचलिस्ट पे है तो है, और क्या कर सकते हैं। एचएससीएल पे केयर रेटिंग का जो था वो नेगेटिव से पॉजिटिव फिर से हो चुका है, इसीलिए यहाँ से इसने फिर से बाउंस देना अपना, ये इसका बेस एरिया है, यहाँ पर इसका मास्टर रिजेक्शन है और यहाँ से ये इसका बेस एरिया है, तो बेस एरिया से ये बाउंस कर रहा है। सब गिर रहे तो ये भी गिरी है, तो इसको अगर एकोमुलेट करना है तो मैं इसके फिबो का जो 50% लेवल है, एटलीस्ट मान के चलिए कि 55 के ऊपर, इसको मैं फिर से एकोमुलेट करना चाहूंगा। फिलहाल के लिए ना इसको एवरेजिंग करूंगा ना इस पे कोई क्वांटिटी को मैं रिड्यूस करूंगा, वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासी बाउंस आया है, इधर मास्टर रिजेक्शन भी है, हायर हाई हायर लो तो फिलहाल बना रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कोई जल्दबाजी वाला चीज इधर है नहीं भाई। मोरे पर लिप तो अपना पोजीशन बहुत ही पहले से ही है और यहाँ पर पोजीशन बना हुआ रहेगा। के आई सी एल पे काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन दरअसल ये मेरे वॉचलिस्ट पे इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर मेरा पोजीशन है, तो मैं इसको दरअसल 2600 से 2800 के लिए मैं थोड़ा सा इसको वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट थोड़ा सा लेट में ही बुक करने की कोशिश करूंगा। टाटा केमिक, गोदरेज एग्रो अपना ये मल्टीबैगर लिस्ट पे है, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा पैटर्न जो है देखने को मिल रहा होगा, इन्वर्स रेसिप्रोकल पैटर्न है। एक बार इसको अगर 750 के पास आता है तो यहाँ पर इसको इस पे फिर से थोड़ा सा बाय करके ना इसको और ऊपर जाने के लिए आई थिंक इसको हम लोग वेट करना चाहिए, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। भारत फोर्स पे ऑलरेडी सब लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो इसके ऊपर बात नहीं करते। आरईपीएल पे भी हम लोगों का पोजीशन कर चुका है। इप्का लैब ने सारा टारगेट दिया, एक्सटेंडेड टारगेट दिया, अब अगर हमको नया पोजीशन बनाना है तो इस नेकलाइन तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक बार हमको एक सपोर्ट टाइप का दिख जाए, अगर यहाँ से बाउंस करता है तब हम लोग इप्का लैब पे पोजीशन बना सकते हैं। रेन होल्डिंग कंसोलिडेशन पोजीशन पे, रिग्रेशन चैनल पे ये अपना चल रहा है, ठीक है, ये अपना एक रिग्रेशन चैनल पे चल रहा है, तो यहाँ पर भी कोई भी एग्रेसिव डिसीजन लेना फिलहाल के लिए गलत है, इसको जानने दो। पैसा लो पे काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, दरअसल हम लोगों ने भी प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो यहाँ पर फिर भी ये मेरे वॉचलिस्ट पे इसीलिए है क्योंकि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे सकता है, तो इसका प्रीवियस हाई बना था वो बना था फेब्रुआरी 2021 पे, तो यहाँ पर मैं दरअसल इसके ऊपर काफी दिनों से अपना राडा जो अपना यहाँ पे इसने डबल बटन बनाया हुआ है, बेस काफी स्ट्रांग दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। इसको मैं 900 के ऊपर अगर एक बार आके इस तरह से अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ पर मैं पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा, इसीलिए ये मेरे वॉचलिस्ट पर है। गैब्रियल इज ए मल्टीबैगर, ठीक है, मतलब ये जो है मल्टीबैगर है गैब्रियल, प्राइस छोटा है तो बेचारा उतना बड़ा मूवमेंट देता नहीं है, लेकिन हाँ ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है, तो इसको अगर कोई भी गैब्रियल पे पोजीशन पे है तो यहाँ पर ये बिल्कुल इसके एक बार 160 के ऊपर फिर से इस पे हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्रिंस पाइप तो ऑब्वियसली ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है यार, मस्त, मतलब ये चांस दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ पैटर्न बना रहा है फिलहाल एक मतलब ये मास्टर रिजेक्शन के साथ ये अभी एक राइट शोल्डर बना सकता है, तो यहाँ पर एक मौका बिल्कुल मिलेगा। और प्रिंस पाइप पे डाटा एंड टेक्निकल सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रांग है। आईएक्स काफी भाग चुका है, राइट,
तो अगर जो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो वो अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर किसी को नया पोजीशन बनाना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये इसका बेस बनेगा, ये इसका बेस बनेगा। अगर यहाँ पर फिर से ये बाउंस करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर अपना बाइंग पोजिशन बन सकता है। इंडो स्टार ओएफएस, इसका जो ओएफएस का दिक्कत हुआ तो यहाँ से ये अच्छा खासा फॉल दे चुका है। तो अब यहाँ पर इंडो स्टार में ऐसा है कि हम लोगों ने अच्छा खासा क्वांटिटी रिड्यूस कर लिया है। अगर किसी ने नहीं किया है तो आप अपना क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हो। दो रीजन्स हैं, टेक्निकली देखा जाए, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो ये वाला ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, ये वाला ब्रेक डाउन हो चुका है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये है, सपोर्ट्स क्लोज क्लोज में काफ़ी बड़े बड़े सपोर्ट्स हैं, तो इसीलिए एक चांस है कि हाँ यहाँ से बाउंस मार सकते हैं। फंडामेंटली एवरेज स्टॉक है, ठीक है, टेक्निकली तो बेयरिश ही दिख रहा है, फंडामेंटली एवरेज स्टॉक है। अगर इसको बाउंस करना है तो इसको बाउंस करना पड़ेगा 274 से लेके 270 के बीच, मतलब यही, ये मतलब करेंट लेवल से ही अगर इसको बाउंस करना है तो बाउंस करेगा, अदरवाइज यहाँ से पोजिशन को रिड्यूस कर लीजिए। बीपीएल तो मतलब ये उसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास ही है, तो यहाँ पर अगर किसी का पोजीशन है तो यहाँ पर इसको होल्ड करके रखना चाहिए। ये वाला जो जोन है यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। बीपीएल एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, आगे चल के ये मल्टीबैगर बनने की भी दमखम रखता है। बीएसटी टेलर पे प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है, और मैं बिलीव करता हूँ कि बीएसटी टेलर एक बार ना ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे सकता है, इसीलिए इसमें भी मेरा पोजीशन है। शानदार जो था ये ऊपर गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, बुक वैल्यू के पास ही खड़ा है, तो यहाँ पर एक्युमुलेशन आपकी बनेगी 320 के ऊपर, 320 के ऊपर आप इसको फिर से बाय कर सकते हो। अगर पोजीशन काटना है तो 240 के नीचे ही आपको काटना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये बना रहा है ना, ये नीचे आया इमिडिएटली, जो हम लोग का होता है ना मास्टर पैटर्न वन, इमिडिएटली क्या होता है कि फॉल स्टॉप हो जाता है और यहीं से ही अपना ये हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट करता है। तो शानदार मेरे हिसाब से ये एक बार अपने ये जो लाइफ टाइम हाई जो है इसको ये एक बार हिट करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 240 के पास होना चाहिए, और टारगेट एटलीस्ट यहाँ पर आप इसको डाल सकते हो, एटलीस्ट ये जो 440 के पास है ना, इस यहाँ पर आप इसको डाल सकते हो, लेकिन प्राइस इसका छोटा है तो इसका मोमेंटम भी उसी टाइप का होने वाला है। वेरिएंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ यहाँ पर ये जो है ना वेरिएंट ऑर्गेनाइजेशन, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल टाइप का बन रहा है, डिसेंडिंग चैनल काफी क्लियर है, ब्रेकआउट भी हो चुका था, मोमेंटम अच्छा है, डाटा भी उसका पॉजिटिव था, तो मार्केट गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, लेकिन लेकिन इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं जब भी बाउंस होता है ना, तो इस टाइप के स्टॉक्स अच्छा खासा बाउंस देते हैं। ओके, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, आप इसको देख सकते हो। जेकेआईएल भी अच्छा खासा जो है यहाँ पर, जेकेआईएल, हाँ ये मेरा पैटर्न है, राइट। सो सेटअप एज इट इज बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, लेफ्ट आर्म अपनी जगह पर है, राइट आर्म उसके ऊपर ही है, तो इन्वर्स जो होता है इन्वर्स फ्रेंड सोल्जर में एक ऑब्वियस सी बात है कि राइट आर्म अगर लेफ्ट आर्म के ऊपर हो तो टिल आप उस पर पॉजिटिव हो सकते हो। स्टॉप लॉस 160 के नीचे होना चाहिए, और टारगेट मिनिमम 280 से 300 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है। एसआईएस की बात कर लेते हैं, एसआईएस का ये देखो, एसआईएस ये ऐसा है, ये अपना एक रिग्रेशन बना के उसमें घूम रहा है, ठीक है, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो ये क्या करेगा कुछ क्लियर नहीं है। एक बार आपको ये बिल्कुल मौका देगा, अगर कोई भी पोजीशन में है तो एक बार ये बिल्कुल आपको मौका देगा कि 550 के पास, यानी कि प्रॉफिट पे आपका प्रॉफिट को आप इसको यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। एसआईएस मल्टीबैगर नहीं है मेरे हिसाब से, तो अगर आप पोजीशन पे हो और अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है तो पोजीशन काट लो, अगर आपका लॉस चल रहा है तो भी ये आपको एक मौका देगा 550 से 560 के पास, वहाँ पर आप अपना पोजीशन को काट सकते हो छोटे मोटे प्रॉफिट में। एमजीएल मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, एमजीएल इसे ऑब्वियसली ये आपको प्रॉफिट देने वाला है। केएनआरकॉन काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मूवमेंट दिया इसने, अपना एक्सटेंडेड टारगेट भी हिट किया और अब ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो
केनार कॉल में हम लोगों ने प्रॉफिट तो बुक कर लिया है, लेकिन फिर भी ये मेरे वॉच लिस्ट पे इसीलिए है क्योंकि जो इसका फिबो लेवल है, मतलब मान के चलिए कि एटलीस्ट 280 के पास अगर यहाँ पर एक मौका देता है तो मैं यहाँ पर इसको फिर से बाय करने की कोशिश करूँगा। इसीलिए आरती इंडस्ट्रीज देखिए, अच्छे स्टॉक्स जब भी आपको रिट्रेसमेंट दें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वॉच लिस्ट पे तो ये होना ही चाहिए। एमटा टेक में सबका प्रॉफिट चल रहा है, तो जो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो अपना प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, ठीक है। और दरअसल हम लोग का पोजीशन है, हम लोगों ने पोजीशन काटा ही नहीं है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं दरअसल क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ ज़्यादा एमटा टेक से, क्योंकि ये अपना एक बन चुका है, राइट। ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका है। मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, डाटा तो ऑलरेडी पॉजिटिव है एमटा टेक का, तो मैं दरअसल वेट कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पर से फिर से ऐसे इस तरह से, मतलब ये आपका लेफ्ट मान के चलो, ये मान के चलो आपका हेड है, और अगर ये राइट यहाँ से अगर एक बाउंस बैक देता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से जोश निकालने की कोशिश करूँगा। ओ एल, कोई इसमें कोई ना समझने वाली बात है ना कुछ पूछने वाली बात है, ये मल्टीबैगर पे हम लोगों का ऑलरेडी है, ठीक है। आईपीएल से हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी रिड्यूस कर लिया है, क्योंकि जब से ये आया हुआ है इसका बस क्या बोलते हैं, इसका भाग्य ही खराब है। डेल्टा कॉर्प पे अपना पोजीशन इंटैक्ट है, ठीक है। डेल्टा कॉर्प पे हम लोग का पोजीशन स्टिल इंटैक्ट है, प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है, तो 280 के पास इसको एक बार हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद सुप्रजित मल्टीबैगर पोजीशन है, लाइफ टाइम हाई के पास है, और यहाँ से ये अच्छा खासा जो है, यहाँ से एक अच्छा खासा जो है पॉसिबिलिटी कि ये मल्टीबैगर सॉरी ये अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे सकता है, तो यहाँ पर अपना जो है नज़र है, ठीक है। ग्राफाइट, ऑब्वियसली ग्राफाइट पे अगर पोजीशन नहीं है तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन ग्राफाइट पे पोजीशन आप देखिए, नया पोजीशन बनाने के लिए अगर ये गिरता भी है तो नहीं, आई डोंट थिंक ये ज़्यादा गिरेगा क्योंकि ये ऑलरेडी अपना बेस बना चुका है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम एडिशंस हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको कभी भी मौका मिले कि 530 के पास या 550 के पास अगर इसको बाय करने का मौका मिले तो आप इसको बाय कर सकते हो, टारगेट काफ़ी बड़ा है दरअसल। इसमें टारगेट आपको मिनिमम जो है 1200 का टारगेट, मतलब 1000 के ऊपर, 1100 के ऊपर का ही टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कैरियर रेटिंग तो प्रॉफिट बुक हो चुका है। सादा कॉप वेरी पॉजिटिव पोली, मतलब इसमें तो मतलब क्या बोलते हैं, डाटा वाइज टेक्निकल वाइज काफ़ी बहुत ही बढ़िया है, तो इसमें 400 के ऊपर मैं फिर से बाय कर सकता हूँ। न्यूक्लियस ऑब्वियस सी बात है, मल्टी बिगर स्टॉक है, नीचे आ रहा है, गैप इसमें टेक्निकली काफ़ी क्लियर है, तो यहाँ पर अगर व्हाट आई थिंक कि यहाँ से ये जो है फिलहाल तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का ये बना रहा है, और यहाँ से अगर एक मौका मिले तो मैं इसको दरअसल फिर से बाय करूँ, फिर से नहीं, इसमें मेरा पोजिशन है तो इसको मैं एक्यूमुलेट करूँगा, ठीक है। डीएफएम फूड की बात वही है कि बस हम सबको इंतजार है, जो कब से इंतजार है, 3 महीना हो गया है ना। हाँ। तो अब क्योंकि सेटअप जो है सेटअप बिगड़ा नहीं है, इसलिए अपना पोजीशन यहाँ पर इंटैक्ट है, ठीक है। उसके बाद केमिकल्स पे तो आप अपना बुलिश व्यू बना के रखो भाई, इसमें तो कुछ बियरिश व्यू बनाई मतलब बनाइए मत, ठीक है। और क्या है, संकरा, संकरा एक बार जो अच्छा खासा अपना ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको टच करने के बाद वो फिर से नीचे आया, और अभी अपना ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ये घूम रहा है, तो यहाँ पर अपना बस वॉच मोड है। इस स्टॉक पे ध्यान रखिएगा, जयंत एग्रो पे, बीबीटीसी, नाम इंडिया तो मैंने आपको बोल ही दिया है, नाम इंडिया, जोसील है ना, यहाँ पर अच्छा खासा आपको चांसेस मिल सकता है। आज सिस्टम्स पे अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, ठीक है। मैं सप्रम की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज आज सिस्टम तो ऊपर भागने वाला ही स्टॉक है। पीएसपी प्रोजेक्ट मल्टीबैगर है, लेकिन अब ये यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन अपना कर रहा है, मास्टर रिजेक्शन है, नीचे ज़्यादा आएगा नहीं, 360 के पास अगर मौका मिलेगा तो यहाँ पर देखेंगे। बोरो एलटीडी ये तो वन साइड ऊपर ही जा रहा है, तो यहाँ पर तो निकलने का सवाल पैदा नहीं हो रहा,
नहीं होता। पारासी बायो यहाँ पर भी निकलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इंडी निपोन, इंडी निपोन, इंडी निपोन, इंडी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, वॉल्यूम एडिशन भी इसमें है, मैंने इसको चेक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इसका जो थोड़ा सा इंडी निपोन से अगर किसी का पोजीशन है इंडिया निपॉन के, तो यहां से मेरे हिसाब से पोजीशन को काटिएगा मत, थोड़ा सा वेट कर जाइए, ठीक है। स्टॉप लॉस 300 के नीचे ही रखिए। यहां से अगर एक अच्छा खासा चांस दिखता है, अगर यहां से बाउंस करेगा 430 के ऊपर, तो आपको ये वाला जो लेवल है ना 580 से लेके 600 का लेवल, ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। आसाई संग मल्टीबेगर है, छोड़ो इसकी बात छोड़िए, ये आसाई संग तो मल्टीबेगर पोजीशन है, तो यहाँ पे डबल टॉप बना था तो ये नीचे आया है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि ये अपना ये इसको ब्रेक कर ही लेगा आज नहीं तो कल, तो ये इसमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकलने ही वाला है। SW सोलर काफी ऊपर आ चुका है और प्रॉफिट भी आपका है। SW सोलर जो है ना ये और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट को बुक मत कीजिए, SW सोलर पे प्रॉफिट बुक मत कीजिए, इसको थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। 400 के ऊपर इसको फिर से बाई करेंगे या फिर एकोमुलेट करेंगे, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। सन टीवी से तो हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया। IOLCP, IOLCP, IOLCP डिसेंडिंग चैनल बना रहा है, IOLCP एज इट इज डिसेंडिंग चैनल पे है, तो इस पे भी नजर बना के रखिए, ये मस्त ट्रेड है। मतलब IOLCP पे पोजीशन ना बनाए तो किस पे बनाए, तो बोलते हैं ना, तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको चांस मिल सकता है। HDFC AMC नजर तो हाँ, इसमें भी मैंने वही शॉर्ट टर्म जो है शॉर्ट टर्म वाले को मैंने बोला हुआ था कि प्रॉफिट को बुक कर लो, लेकिन HDFC AMC पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। अगर आप टेक्निकली भी देखो, इसका डाटा भी अगर देखो, और अगर आप फॉरेन जो FIs के अगर इसमें इंटरेस्ट भी देखो, तो इसमें काफी बढ़िया इंटरेस्ट उन लोग का होता है, पता नहीं क्यों। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें अगर किसी का पोजिशन है और अगर आपने पोजिशन काटा नहीं है, तो आपका 3000 के नीचे का जो स्टॉप लॉस आप डाल के ना इसको एक बार थोड़ा सा प्ले कर सकते हो 3800 से 4000 के लिए। सुब्रोस कॉपर हैंडल पैटर्न बना रहा है, राइट, कॉपर हैंडल है इधर, क्लियर सा कॉपर हैंडल है और ये उसी भी रेंज में चल रहा है, फार्मोबा, जुबिलेंट फार्मोबा का सिंपल सा लॉजिक है कि ये अपना पहला जो स्विंग लो था उसके पास है, मास्टर रिजेक्शन क्लियर है और यहाँ पर काफी अच्छे खासे ऑपरेटर की एंट्री हो रही है, तो यहाँ पर नजर आपका होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दरअसल एक्यूमुलेशन भी हो रहा है और यहाँ पे अच्छी खासी बॉल बिल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा रही है इसमें। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स काफी ऊपर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया, तो अपना ये बेस बना रहा है, अपना जो प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट किया था ना, तो यहाँ पर ये यह अपना बना रहा है अपना बेस, ठीक है। तो यहाँ से एक बार तो इसने टेस्ट कर लिया था, तो आई बिलीव कि ये 900 के ऊपर एक बार आना चाहिए, तो फिर वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकता है। थायरोकर मल्टीबेगर है, ठीक है, थायरोकर के ऊपर तो मेरे को कोई बात नहीं करना, थायरोकर के ऊपर ही तो मल्टीबेगर स्टॉक है ये, तो इसका तो आदत ही है ऊपर जाएगा, और थायरोकर पे कोई भी है तो उसको तो प्रॉफिट मिलने ही वाला है। इंडिगो पे टारगेट्स हम लोग अचीव हो चुके हैं, काफी ऊपर भी जा चुका है इंडिगो पे, हम लोगों ने ऑप्शन में भी प्ले किया, हम लोगों ने इसको पोजिशनल में भी प्ले किया हुआ है और काफी ऊपर जा चुका है, तो इंडिगो में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि जो एविएशन है, एविएशन में मेरा उतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहता। इंडिगो पेंट्स वही चीज का इंतजार है कि कब ये ब्रेकआउट देगा, क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन फिलहाल 10 से 12% का प्रॉफिट चल रहा है, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो, होल्ड नहीं करना है तो प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल सी बात है। GICRE धोखेबाज स्टॉक है, काफी अच्छा खासा धोखा दिया, इसके पीछे दो सिंपल रीजन है। देखिए इसका प्राइवेटाइजेशन होना था, GICRE में 85% का जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का है, तो इसका प्राइवेटाइजेशन होना था, तो प्राइवेटाइजेशन के न्यूज पे इसने अच्छा खासा बाउंस दिया था, लेकिन फिर गवर्नमेंट पलट गया और बोला कि नहीं मेरे को प्राइवेटाइज 100% नहीं करना है, तो उसके बाद इसने फिर से रिट्रेसमेंट डाला और फिर अपना फिर ये वाला जो इसका प्रीवियस जो लो है वहां तक ये पहुंच चुका है, तो इसका सेटअप बिगड़ चुका है, रिमेंबर दिस, इसीलिए GICRE पे हम लोगों ने
काफी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया है। अगर ये फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है, 175 के ऊपर आता है, तो फिर ये सेटअप अपना फिर से कंटिन्यू करेगा और ये हायर हाई को ब्रेक कर लेगा, रिमेंबर दिस। लेकिन इसके ऊपर आना चाहिए। फिलहाल सेटअप काफी बिगड़ा हुआ है, उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। अगर ये फिर से एक बार इसने कोशिश किया था, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बार इसने कोशिश किया तो था, लेकिन एग्जैक्टली वहीं से इसने फिर से नीचे, और ये उसका एक रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके ऊपर कुछ न्यूज ही चाहिए ताकि ये ऊपर आए। मोनोपोली स्टॉक है, गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा है और डेब्ट फ्री कंपनी है, दैट इज वन एडवांटेज। लेकिन अदरवाइज फिलहाल तो इसका सेटअप बिगड़ चुका है, तो क्वांटिटी को बिल्कुल रिड्यूस करने में ही या फिर पोजीशन काटने में ही बेटर है मेरे हिसाब से। हमने काटा नहीं है, हमने इसको बस क्वांटिटी को काट दिया है, रिड्यूस कर दिया है। एआई इंजीनियरिंग ये बहुत ही मतलब अच्छा स्टॉक है, 100 ऊपर जाता है, लेकिन हाँ ये ज़्यादा कंसोलिडेट करता है, तो ये भी प्रॉफिटेबल स्टॉक है। लिंकॉन, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है यार, लिंकॉन तो बहुत ही बढ़िया, इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है, तो इसमें मैं फिर से दरअसल बाय करूंगा 400 के ऊपर, जो ग्रेट इंडिया मल्टीबैगर स्टॉक है, कोई पूछने वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग का 120% से ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है, तो मेरी राय यही होगी कि नया पोजिशन बनेगा 700 के पास, और जो लोग फिर अपना पोजिशन में हो तो 800 के ऊपर फिर से इस पे बाय करो, मतलब थोड़ा सा एक्यूमुलेट करेंगे एसआईपी टाइप का। इसमें आपको एसआईपी टाइप का ही प्ले करना रहेगा। भारतीय एयरटेल काफी ऊपर आ चुका है, हम लोग का फिफ्थ या सिक्स टारगेट ये दे चुका है, ठीक है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे को नहीं पता, बट प्रॉफिट में हो तो वो भी कर लो। थर्मैक्स पे पोजिशन बरकरार है, वी मार्ट पे तो पोजिशन काफी, प्रॉफिट इसमें भी बुक हो चुका है, तो वी मार्ट में भी ज्यादा टाइम मत रहिए। हेस्टर बायो पोजिशन इंटैक्ट है, काफी मस्त दिख रहा है। इंसेक्टिसाइड्स पे तो आप लोग हो नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। इसमें मेरा पोजीशन है, तो इसलिए मैंने इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है। बीपीएल पे ऑब्वियसली मैं तो इसमें बुलिश ही हूँ, मस्त अपना ये वन साइडेड चल ही रहा है, ठीक है। क्यूपीडो मेरा पोजीशन है नहीं, काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, काफी लोगों ने अभी तक इसको होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो भी देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, जब भी कोई मास्टर रिजेक्शन हो, मतलब जैसे कि अब यहाँ पर एक मास्टर रिजेक्शन है, यहाँ पर एक मास्टर रिजेक्शन है, और ये यहाँ पर बार 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 मतलब इस टाइप का एक पैटर्न बना रहा है, तो इसके जो चांसेस होते हैं ज्यादातर अपसाइड होते हैं, ठीक है। लेकिन इस कंसोलिडेशन को बियर आपको करना पड़ेगा, ये दिक्कत है, ठीक है। भी गार्ड ऊपर की तरफ आके यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये हाँ भी गार्ड भी दरअसल मेरे राडार पे इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देख पा रहा हूँ। क्रॉम्पटन प्रॉफिट पे है, लेकिन मोमेंटम छोटा है, छोटा छोटे मोमेंटम के साथ ये जा रहा है। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रुकेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट ही देने वाला है। रिलायंस छोड़िए, नुवोको पे ध्यान रखिए, मस्त, ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक मेरे को दिख रहा है, बनी सा स्टॉक है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। रेडी को नया पोजीशन मैंने दिया हुआ था रेडी को पे, और ये बार बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऑपरेटर पोजीशन है। रेडिको पे अगर फिर से अगर नया पोजीशन बनाना है तो आप इसको 980 980 के ऊपर एक बार कंसिडर कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर, ठीक है। केमिकल्स पे तो हम लोग का ऑब्वियस सी बात है कि केमिकल्स को हम लोग आजकल कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। एमसीएक्स पे पोजीशन बरकरार, वेक्टर फूड पे पोजीशन बरकरार है, अच्छा खासा हो, ये इसने भी रिटेलर को निकाल दिया था यहाँ पे, लेकिन आई बिलीव कि ये इतनी आसानी से ज़्यादा नीचे और जाने वाला है नहीं, तो ये भी आपको एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट के ऊपर ही। मल्टीबैगर स्टॉक एलेम्बिक फार्मा है ना, मल्टीबैगर स्टॉक है और नीचे आ गया है अपने न्यूज के कारण, तो जो उसका क्वार्टरली इवेंट था उसके कारण ये नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पर जो है दरअसल हमने बाय किया हुआ है, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स जब गिरते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मैं बाय करता हूँ। ये अपना डारबास को ब्रेक कर चुका है, नज़ारा, ये तो मैंने फ्री ग्रुप में भी दिया था, नज़ारा पे भी
बना के रखिए पोजीशन, अगर पोजीशन पे फूट तो प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हो। गोदरेज एग्रोबेट इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ऑल्सो ए वेरी क्लीन मल्टीबैगर स्टॉक, और गोदरेज एग्रोबेट एक बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है मेरा। और यहाँ पर जो इसका प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर इसका डाटा भी काफ़ी बढ़िया है और स्टॉक भी बहुत बढ़िया है, इसका फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, तो यहाँ पर नजर रखिए। पीवीआर आज ब्रेकआउट देने की कोशिश तो किया लेकिन ब्रेकआउट प्रॉपरली हो नहीं पाया, कॉपर हैंडल पैटर्न है, क्लियर सा एक कॉपर हैंडल पैटर्न यहाँ पर है। ब्रेकआउट देने की कोशिश आज किया लेकिन अब आज मार्केट में काफ़ी बिकवाली थी तो ये नीचे आ गया, तो पोजीशन है तो बना कर रखूँ मेरे हिसाब से। बटरफ्लाई तो टारगेट दे ही चुका है, प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हो, या फिर होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर पोजीशन है तो इसको होल्ड करना चाहिए। नेलको इज वेरी पॉजिटिव, बढ़िया स्टॉक है, वन साइडेड सेटेलाइट कम्युनिकेशन पे काम करता है, इसमें कुछ है नहीं। आरपीजी लाइफ पे तो प्रॉफिट हम लोग का चल ही रहा है, लेकिन आरपीजी लाइफ को हमने आज से मल्टीवेगर पे ऐड किया हुआ है ठीक है, तो इस पे मैं दरअसल एकोमोडेट करना चाहूंगा, जैसे ये ऊपर 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 जाए तो मैं यहाँ पर और ज्यादा बाइंग करने की कोशिश करूंगा। एसपीसीएल जो लास्ट स्टॉक है इसको बात कर लेता हूँ, काफी बात कर लिया यार मैंने। एसपीसीएल वन साइड अब चल रहा है, अभी जो हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है एसपीसीएल पे वो चल रहा है 55% के ऊपर, तो यहाँ पर क्या करना रहेगा मैं आपको बोलता हूँ। अब क्योंकि ये वन साइड ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर से पोजिशन काटने का तो बात होता ही नहीं है, यहाँ पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर फिर से बाइंग करूँ करंट लेवल से, यानी कि टू, अगर कल भी मैं इसको बाय कर सकता हूँ, मतलब मेरा ये मानना है कि जब ये बार बार एक जैसे कि ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर, इसने इसको टेस्ट किया फिर ऊपर गया, फिर ये इसका बन गया एक, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया फिर ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जाने के मूड में है, तो यहाँ पर से पोजिशन काटने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ करने का मतलब नहीं है। मैं फिर से आपको एक बात क्लियर कर दूँ, टाटा स्टील पे जो हम लोगों का पोजीशन है नहीं, लेकिन स्टिल यहाँ पर मेरा ध्यान काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आज ये अच्छा खासा गिरा है और यहाँ पर आपको एक क्लियर हेड एंड शोल्डर दिख रहा है राइट ऊपरी लेवल पे, तो यहाँ पर मेरा काफ़ी मन था बाय करने का, लेकिन ये इतना ऊपर गया था कि यहाँ से बाय करना काफ़ी डिफिकल्ट था, तो अगर ये गिर ही रहा है किसी भी न्यूज़ के कारण, और अगर मेरे को मेटल पे कोई पोजीशन बनाना है तो मैं टाटा स्टील को हाई प्रायोरिटी दूंगा, बाय करूंगा इसको मैं 1100 के पास, तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा, और थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पर क्या ये प्राइस एक्शन बनाता है इसको देखते हुए मैं इसको यहाँ पर बाय करने की कोशिश करूंगा। जब हर कोई सेल करने के मूड में हो, मार्केट में पैनिक हो, कुछ भी हो, ऐसा हो, तो एज पर माई अप्रोच मैं देखता हूँ कि वहां पर मैं किधर बाय करूं, जो प्रॉफिट में चल रहा है वो तो प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन जो लॉस में चल रहा है, जो गिर रहा है, जो पैनिक में गिर रहे हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स, वहां पर नजर गड़ा के रखिए, क्योंकि ये वाली अपॉर्चुनिटीज ना आपको ऐसे ही टाइम में मिलता है, वरना फिर से आपको कब टाटा स्टील मिलेगा 1000 में, अगर ये गिरता भी है मान के चलिए, तो फिर से कब आपको टाटा स्टील 1000 या 900 के लेवल पे मिलेगा, ये एक सपना ही है, तो ऐसे टाइम पे यहाँ पर बाय करने की बिल्कुल मेरे हिसाब से जो है मैं तो इसको बाय करने वाला हूँ, बस यहाँ पर प्राइस एक्शन का थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। दोस्तों फिर मिलेंगे, काफ़ी बातचीत हो चुकी है और मैंने कोशिश की, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था सारे ट्रेड्स के ऊपर बात कर लिया, सब कुछ कर लिया। पैनिक में आप बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, जब मार्केट पैनिक हो, हर कोई बेच रहा है, तो आप देखिए कौन सा अच्छा स्टॉक गिर रहा है, एज ए इन्वेस्टर एज ए बढ़ते हुए स्टॉक्स को हर कोई बाय करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको ये देखना चाहिए कि इस पैनिक मूवमेंट में अगर पैनिक कल को फिर से डांस हो सकता है, फिर से मार्केट गिर सकता है, तो वहां पर आप कहाँ से बाय करोगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए ठीक है। टाटा स्टील मेरे फोकस पे है जिससे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि हमारे इसमें ना कोई अच्छा खासा मेटल अभी तक अपने पोर्टफोलियो में है नहीं, तो इसके लिए मैं टाटा स्टील को फोकस में रख रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय।